जयपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्य सरकार ने अटैच की अवैध संपत्ति, इरफान सोलंकी की सीज संपत्ति का हुआ सत्यापन, विधायक के भाई की भी अवैध संपत्ति का सत्यापन पूरा। तो कानपुर से बड़ी खबर, गैंगस्टर अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई, तो इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संपत्ति का सत्यापन कर लिया गया है राज्य सरकार ने, अटैच की अवैध संपत्ति, इरफान सोलंकी की सीज संपत्ति का हुआ सत्यापन, विधायक के भाई की भी अवैध संपत्ति का सत्यापन पूरा। गैंगस्टर अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई, आपराधिक कृत्य द्वारा अर्जित की गई थी अवैध संपत्ति। तो बता, कानपुर से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां लगातार इरफान सोलंकी की संपत्ति को लेकर खबरें सामने आ रही थी, लगातार कार्रवाई चल रही थी, वही इसी बीच अब उनकी संपत्ति का सत्यापन कर लिया गया है, विधायक के भाई की भी अवैध संपत्ति का सत्यापन हुआ पूरा। गैंगस्टर अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई, तो आपको बता दें आपराधिक कृत्यों के तहत जो संपत्ति थी वो अर्जित की गई थी, जिसका अब सत्यापन कर लिया गया है। तो लगातार इरफान सोलंकी पर कार्रवाई की जा रही थी, इसी बीच अब उनकी अवैध संपत्ति का भी सत्यापन किया जा चुका है। मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आशीष, अब लगातार इरफान सोलंकी पर कार्रवाई की जा रही थी, वही इसी बीच अब उनकी अवैध संपत्ति का सत्यापन पूरा हो चुका है। जी देखिए, सपा विधायक इरफान सोलंकी सीसा मऊ से विधायक थे, उनके ऊपर आगजनी और कैद से गंभीर मुकदमे दर्ज थे और अभी भी वो महाराजगंज जेल में है। उसके बाद उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, ईडी ने सुबह 6 बजे से ही विभिन्न छापेमारी की, 26 लाख रुपए ईडी ने बरामद दिखाया। उसके बाद इरफान सोलंकी और उसके करीबी थे, उनकी संपत्ति को कहीं ना कहीं जब्त किया और पूरा सत्यापन भी कराया। तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी बिल्कुल, तो अब क्या कुछ आगे कार्रवाई करेगी पुलिस? देखिए, पुलिस और भी संपत्ति है अलग अलग स्टेटों में, वहाँ भी जांच कर रही है, चाहे वो नोएडा हो चाहे बॉम्बे हो, जहाँ भी जेल की संपत्ति जो पाई जाएगी सत्यापन कराया जाएगा। कहीं ना कहीं ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देखने को मिल रही है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद आशीष। तो आपको बता दें, कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इरफान सोलंकी की अवैध संपत्ति का सत्यापन पूरा हो चुका है।